दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे फील्ड के बारे में जिसकी ग्रोथ दिन ब दिन काफ़ी तेजी से हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे इसका यूज़ हमारे डेली लाइफ में दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा साइंस, इन सब में डिफरेंस क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, ये सब सीखने के लिए कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना ज़रूरी है, कौन कौन से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी इस कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एंट्रेंस एग्जाम क्या होती है, और आखिर में देखेंगे इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आप सभी का स्वागत है ईमेंटोर चैनल पर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो आसान तरीके से बताना चाहूँ तो हम एक ऐसी सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जो हमारी तरह सोच सके, काम कर सके, बिहेव कर सके, जिसमें खुद से कोई चीज़ सीखने की एबिलिटी हो, लर्न करने की एबिलिटी हो, उसके बेसिस पे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हो, उसमें एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो। तो हम ऐसे ही एक इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं जो इन सभी कामों को कर सके, जो ह्यूमन और रोबोट के बीच में बैरियर है इंटेलिजेंस का, उसी को ब्रेक करने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाहती है। हम एक मायने में ये भी कह सकते हैं कि मशीन में इंटेलिजेंस डालने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है। अभी इसके यूजर्स की बात की जाए तो टेक कंपनीज़ के जितने भी स्मार्ट स्पीकर आ रहे हैं जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जैसे एप्पल का सीरी हो गया, अमेजोन का एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, तो इसमें होता क्या है, जो भी आपके क्यूरीज या क्वेश्चन डिमांड है उसको ये सर्च करके विद इन अ सेकेंड आपके सामने प्रेजेंट करता है। अभी हमारे स्मार्टफोन को ही ले लीजिए, जो भी आप देखते हैं, जो भी सर्च करते हैं, उसके रिलेटेड ही आपको पोस्ट आती है या एडवर्टाइजमेंट दिखती है। तो इसके पीछे भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एल्गोरिदम काम करता है। तो और भी एग्जांपल की बात की जाए तो अभी स्मार्ट कार आ रही है जो ड्राइवरलेस कार्स है, नए नए ह्यूमनाइड रोबोट आए जो ह्यूमन के फीलिंग को, एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं, हेल्थ केयर में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, नई नई मशीनरीज आई है जो सर्जिकल वगैरह में हेल्प करती है, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। अभी इसमें कई सारे टर्म्स भी होते हैं जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, तो ये सब क्या है, इसका काम क्या होता है, तो जल्दी से सिंपल तरीके से एक बार देख लेते हैं ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। तो मान लेते हैं ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसका काम क्या होता है, ये मशीन को या कंप्यूटर को हमारी तरह सोचने लगाता है, उसे इंटेलिजेंस बनाता है। तो ये एक फाइनल गोल है जो हमें अचीव करना है, या इसे हम फाइनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। फिर है मशीन लर्निंग, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सस्पेक्ट होता है, उसी का एक पार्ट होता है, एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जो डेटा को एक्सप्लोर करने में मदद करता है, उसे अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। फिर है डीप लर्निंग, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का ही सस्पेक्ट है जो मल्टी न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्ट क्रिएट करता है। इसका काम जैसे ह्यूमन बीइंग सोचते हैं, किसी भी चीज़ को लर्न करते हैं, वैसे ही मशीन को लर्न करने के लिए, सोचने के लिए एबल करता है। तो अब डेटा साइंस क्या करता है, तो इन सभी सस्पेक्ट को मीनिंगफुल डेटा प्रोवाइड करने का काम करता है, जैसे स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, तो इन सबको यूज करके बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखनी ज़रूरी होती है, जैसे पाइथन, आर, लिस्प, प्रोलॉग, C++, जावा। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना एजुकेशन टेक्निकल फील्ड से कर चुके हैं तो वो लोग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख के भी अपना करियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं। अब जानते हैं ऐसे कौन कौन से कोर्सेस हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अवेलेबल है और कौन कौन से कॉलेजेस इसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात की जाए तो आपके पास बी और बीटेक, ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जो बीएससी थ्रू भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स को प्रोवाइड कर रही है। तो कॉलेजेस की बात की जाए तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईएससी बेंगलोर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी त्रिवेंद्रम, आईआईटी हैदराबाद, आईएसआई कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ऐसे इस लिस्ट में आप और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के नाम जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो इसके लिए आपको 12th में मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और इसमें अच्छी खासी कमांड भी होना ज़रूरी है। एंट्रेंस एग्जाम की बात की जाए तो पहले आपको जेई मेन देना होगा और वो पास होने के बाद आपको जेई एडवांस भी देना होगा, लेकिन कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जाम लेती है।
अगर आपको इस एग्ज़ाम के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने IIT और JEE एग्ज़ाम पर सेपरेट वीडियो बनाया है, ऊपर आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। तो हम देख रहे हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक इंडस्ट्री पर, ह्यूमन बीइंग पर दिन ब दिन इम्पैक्ट कर रहा है और ये आगे भी बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो बिग डाटा, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, नए नए टेक्नोलॉजीज है, इसका मेन ड्राइवर कहा जाता है। तो इन टेक्नोलॉजी की मदद से हम काफ़ी इफिशियंटली, एक्यूरेसी के साथ कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पा सकते हैं। तो ऐसे ही नए नए टेक्नोलॉजीज को फाइंड आउट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। Amazon, Google, IBM, NVIDIA, Microsoft, Facebook, Intel, Tesla, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है। तो इसके साथ आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती है। अगर जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर, डाटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, रिसर्च साइंटिस्ट, ऐसी कई सारी जॉब प्रोफाइल है जिसमें आप काम कर सकते हैं, और साथ ही में एक हाईली पेड जॉब भी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तो मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, होपफुली आपके काम आएगी। ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन, क्यूरी, सजेशंस वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।